नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान में सतीश शर्मा जाफराबादी। यमुना विकास प्राधिकरण की अपडेट है। यमुना विकास प्राधिकरण के दो सेक्टरों में आबादी के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की यमुना विकास प्राधिकरण ने तैयारी कर दी है। सबसे बड़े दो सेक्टर 18 और 20 हैं। 18 और 20 सेक्टर में ही 70 स्कूल खोले जाएंगे, एक विश्वविद्यालय, 4 थाने और टैक्सी बस स्टैंड के अलावा बहुत सारी ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी यमुना सिटी के इन दो सेक्टरों में, जिनसे यहां रहने वाले लोगों को काफी लाभ मिलेगा। किस सेक्टर में क्या क्या सुविधाएं होंगी और किस तरह से प्राधिकरण ने बनाई है योजना और कब आएगी इस संबंध में स्कीम, आइए देखें पूरी अपडेट जागो हिंदुस्तान। यमुना विकास प्राधिकरण ने यमुना सिटी के सबसे बड़े दो सेक्टरों में लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। यमुना सिटी के दो सेक्टरों में ही 70 स्कूल खोले जाएंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, सामुदायिक केंद्र, मिल्क बूथ, धार्मिक स्थल, मॉल, कन्वेंशन सेंटर और प्रदर्शनी सेंटर से लेकर पुलिस थाने, टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड स्थापित किए जाने की तैयारी प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। कुछ के लिए जमीन आवंटित हो गई है और कुछ के लिए अप्रैल महीने में स्कीम लाई जाएगी। यमुना विकास प्राधिकरण के सेक्टर 18 और 20 सबसे बड़े आवासीय सेक्टर हैं। सेक्टर 18 में 12,722 और सेक्टर 20 में 11,205 आवासीय भूखंड हैं। सेक्टर 18 में 27 और सेक्टर 20 में 19 पॉकेट हैं। प्राधिकरण के अफसरों के मुताबिक आने वाले वर्षों में इन दोनों सेक्टरों की आबादी 3.5 लाख के आसपास रहेगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए मूलभूत सुविधाएं और जरूरत के इस हिसाब से संसाधन मुहैया कराने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह के अनुसार दोनों सेक्टरों में 70 स्कूल खोले जाएंगे। इनमें 11 स्कूलों के लिए भूखंड आवंटित हो चुके हैं। 43 डिस्पेंसरी, क्लिनिक व नर्सिंग होम के भूखंड की योजना भी जल्दी आएगी। इसके लिए 5 भूखंड आवंटित हो चुके हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थल, मॉल, कन्वेंशन सेंटर, प्रदर्शनी सेंटर, टैक्सी और बस स्टैंड भी बनाए जाएंगे। यमुना विकास प्राधिकरण दोनों सेक्टरों में सामुदायिक केंद्र स्वयं बनाएगा। 23 सामुदायिक केंद्र और बैंकेट हॉल इन दोनों सेक्टरों में बनाए जाएंगे। इसके लिए जल्दी ही योजना निकाली जाएगी। किस सेक्टर में कितनी सुविधाएं किस तरह से होंगी, आइए यह भी जानें। प्ले स्कूल सेक्टर 18 में 7 और सेक्टर 20 में 7 होंगे। नर्सरी स्कूल 18 सेक्टर 8 में और सेक्टर 20 में 14 होंगे। प्राइमरी स्कूल सेक्टर 18 में 12 और सेक्टर 20 में 11 होंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 18 में 7 और सेक्टर 20 में 4 होंगे। डिस्पेंसरी और क्लिनिक सेक्टर 18 में 11 और सेक्टर 20 में भी 11 होंगे। नर्सिंग होम सेक्टर 18 में 12 और सेक्टर 20 में 19 होंगे। सामुदायिक केंद्र और बैंकट हॉल सेक्टर 18 में 11 और सेक्टर 20 में 12 होंगे। मिल्क बूथ सेक्टर 18 में 22 और सेक्टर 20 में 25 होंगे। धार्मिक स्थल सेक्टर 18 में 5 और सेक्टर 20 में 3 होंगे। सेक्टर 18 में 1 माल और सेक्टर 20 में भी 1 माल बनाया जाएगा। सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में एक एक कन्वेंशन सेंटर होंगे, वहीं एक एक प्रदर्शनी सेंटर इन दोनों सेक्टर में होंगे। सेक्टर 18 में टैक्सी स्टैंड 8 और सेक्टर 20 में टैक्सी स्टैंड 7 बनाए जाएंगे। सेक्टर 18 में 2 बस स्टेशन और सेक्टर 20 में भी 2 बस स्टेशन होंगे। आम लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन के लिए भी जमीन आवंटित की जाएगी। दोनों सेक्टरों में 4 पुलिस स्टेशन होंगे, 6 ओल्ड एज होम और 8 पब्लिक लाइब्रेरी सहित 2 आईटीआई और 1 विश्वविद्यालय खोलने के लिए भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए जल्दी ही योजना निकाली जाएगी। इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्ध कराएंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, लगातार हम आपको यमुना विकास प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट और आसपास के डेवलपमेंट की खबरें दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। यदि आप इन खबरों से रूबरू होना चाहते हैं, लगातार अपडेट देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं निष्पक्ष खबर, खुली पड़ताल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, इस वीडियो का लिंक भी साथियों में जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को सही जानकारी सही समय पर मिल सके। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, नमस्कार।